वेलकम टू हिस्ट्रॉन साइंस अकेडमी। आज बात करते हैं कि आप अपने MHT-CET के स्कोर कार्ड को किस तरह समझ सकते हैं। जी हाँ, MHT-CET के रिजल्ट्स अपलोड हो चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके स्कोर कार्ड को किस तरह समझा जाए। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ यह है कि MHT-CET के एग्ज़ाम एक अलग पैटर्न में कंडक्ट हुआ है। एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है, तो ऑब्वियसली जो स्कोर शीट निकल कर आई है वो भी थोड़ी अनफेमिलियर सी है, तो बहुत ईजीली हर किसी को समझ में नहीं आ रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको लेकर थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। तो इससे पहले कि मैं स्कोर कार्ड की तरफ जाऊँ, थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको एग्ज़ाम पैटर्न के एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड दे देता हूँ कि MHT-CET का एग्ज़ाम इस दफ़ा ऑलमोस्ट 2 मई को स्टार्ट हुआ। ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट की गई, 10 दिन तक एग्ज़ाम चली और ये एग्ज़ाम 19 शिफ्ट्स में ली गई। टोटल एप्लीकेशंस अगर आप देखें तो मोर देन 4 लाख टोटल एप्लीकेशंस थी। अगर अपियर होने वाले कैंडिडेट्स देखें तो 392,354 कैंडिडेट्स अपियर हुए हैं। जो कैंडिडेट्स अपियर हुए हैं इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 2,76,000 PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले ग्रुप्स के लिए हुए हैं और 2,81,000 के आसपास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए हुए हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आपको मालूम है कि एग्ज़ाम 200 मार्क्स का था। PCM अगर आपने ऑप्ट किया है तो मैथ्स 100 मार्क्स का था जिसमें 50 क्वेश्चंस और पर क्वेश्चन 2 मार्क, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर क्वेश्चन 1 मार्क, इस तरह से 200 मार्क कंप्लीट होते हैं। सिमिलरली अगर आपने बायो के लिए ऑप्ट किया था तो यहाँ 100 क्वेश्चंस है, पर क्वेश्चन 1 मार्क, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पर क्वेश्चन 1 मार्क, इस तरह से 200 मार्क कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर यानी MHT-CET में किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की, जिसको लेकर बहुत सारी परेशानियां या दिक्कत समझने में आ रही हैं। इसमें से बहुत सारे पार्ट्स को मैंने फेड आउट किया हुआ है। अगर आपने आपका स्कोर शीट डाउनलोड किया होगा तो वो कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें इस एरिया में आपका रोल नंबर होता है, यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, यहाँ पर आपका नाम होता है, फादर्स नेम और अदर डिटेल्स होती है, कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम और यहाँ आपने PCM, PCB या क्या ऑप्ट किया है उसका डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ आपका फ़ोटो, यहाँ आपका सिग्नेचर। ये मेन एरिया है जिसको लेकर बहुत सारी दिक्कत आ रही है। इससे पहले या पिछले कुछ सालों में होता ये था कि आपको बहुत सिंपल से टर्म्स में रिजल्ट दिखाई देता था, मतलब आप मालूम कर सकते थे कि फिज़िक्स में 50 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं, आपने 46 स्कोर किया है, 40 स्कोर किया है या एग्जैक्टली आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, ये आपको पहले मालूम पड़ जाता था। लेकिन अब की बार अगर आप देख रहे हैं तो रिज़ल्ट परसेंटाइल के फॉर्म में है, परसेंटाइल स्कोर के फॉर्म में है। और ये परसेंटाइल, एक बार मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत सिंपलेस्ट वे में या डायरेक्टली कैलकुलेट किया हुआ परसेंटेज नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बायोलॉजी में 86 पॉइंट समथिंग है परसेंटाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस कैंडिडेट को 100 में से 86 मार्क्स मिले हैं या 100 में से 86 क्वेश्चंस के आंसर्स इसने करेक्ट दिया है तो 86 परसेंटाइल उसको मिल गया। ये डायरेक्टली कैलकुलेट किया जाने वाला परसेंटाइल नहीं है, ये परसेंटाइल कैलकुलेट किया हुआ है नॉर्मलाइज्ड स्कोर जनरेट करने के बाद। जी हाँ, नॉर्मलाइज्ड स्कोरिंग जो है ये इस पूरे मार्कशीट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है। अब ये पूरा मार्कशीट जब आप देखेंगे, परसेंटाइल्स में तो है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर 3 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, ये 3 पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट ये बताता है कि ये जो स्कोर्स हैं ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स जनरेट किए हुए हैं। क्या होते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ, और ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स के अकॉर्डिंगली ही आपका परसेंटाइल निकल कर आता है। दूसरी चीज़ जो सेकंड पॉइंट आपको बताता है वो ये है कि जो भी आपका PCM या PCB का टोटल स्कोर निकल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये या ये वाला स्कोर, ये स्कोर आपके फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के परसेंटाइल्स का एवरेज या मीन निकाला हुआ नहीं है, ये भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स जनरेशन के थ्रू किया हुआ या जनरेट किया हुआ स्कोर है या परसेंटाइल स्कोर है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो बात ओवरऑल ये है कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होता है, क्यों निकालते हैं और कैसे निकाला जाता है। अगर आप इस चीज़ को समझ लें तो ये पूरा रिज़ल्ट समझना आपके लिए कोई बड़ी बात या कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत शॉर्ट और ईजी वे में आपको समझा सकूँ। नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होता है,
देखिए नॉर्मलाइज स्कोर एक एक मेथड है, और यूजुअली जब भी कोई भी एग्ज़ाम मल्टीपल डेज़ या मल्टीपल सेशंस में होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो रेलवेज़ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो रिजल्ट जनरेट होते हैं वो भी नॉर्मलाइज्ड वे में ही या नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स के थ्रू जनरेट होते हैं। तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जो मल्टीपल डेज़ या फिर मल्टीपल सेशंस में हो रहा हो, ऐसे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स को जनरेट करने के लिए हम नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स का यूज़ करते हैं या नॉर्मलाइजेशन वाले मेथड का यूज़ करते हैं। बट इसमें होता क्या है, क्या ये अच्छी चीज़ है या ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये जानने के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बताता हूँ। अगर देखिए कि कोई एग्ज़ाम मल्टीपल डेज़ में हो रहा है, मान लीजिए कि सीईटी का एग्ज़ाम है जो 19 सेशंस में हुआ है, 10 डेज़ में हुआ है। इसका मतलब याद रखिए कि हर सेशन में आपको एक अलग क्वेश्चन पेपर लगेगा, यानी हर सेशन के लिए एक नया क्वेश्चन पेपर है। अब क्वेश्चन पेपर अलग होगा तो ऑब्वियसली लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी अलग होने के चांसेस रहते हैं, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के भी डिफरेंट होने के चांसेस रहते हैं। 19 सेशंस, हर सेशन के लिए एक अलग क्वेश्चन पेपर। अब क्योंकि हर सेशन के लिए अलग एक डिफरेंट क्वेश्चन पेपर है, तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी यहाँ पर चेंज हो सकती है। आपने बहुत बार स्टूडेंट्स को बोलते हुए या कहते हुए सुना होगा कि फर्स्ट शिफ्ट में पेपर इजी था, मैथ्स वाला पार्ट फर्स्ट शिफ्ट में इजी था, सेकंड शिफ्ट में थोड़ा डिफ़िकल्ट आ गया, बायो वाला पार्ट उस शिफ्ट में इजी था, इस शिफ्ट में डिफ़िकल्ट आ गया। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन अगर ऐसा रहता है तो ऑब्वियसली ये अनफेयर भी हो सकता है। वो इसलिए कि जिस स्टूडेंट के सेशन में पेपर इजी आया वो ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लेगा, जिसके सेशन में पेपर डिफ़िकल्ट आया उसको मार्क्स कम मिलेंगे। तो ये अनजस्ट नहीं होना चाहिए और रिज़ल्ट बहुत फेयर वे में निकलना चाहिए, इसीलिए नॉर्मलाइज्ड स्कोर जनरेट किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि पहले तो ये बात कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका सेशन आपके सेशन में पेपर डिफ़िकल्ट था या आपके सेशन में पेपर इजी था, ये आप मालूम कर सकते हैं एवरेज स्कोर्स के बेस पे। कि मान लीजिए 2 मई को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, इस शिफ्ट में मान लीजिए 10,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, पेपर ऑब्वियसली 200 मार्क का है। अब मैं ये करूँगा कि ये 10,000 स्टूडेंट्स जो फर्स्ट शिफ्ट में हैं, ये 10,000 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क निकालूंगा। तो यहाँ फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज मार्क्स मुझे मिले हैं 80। अब मैं ये करूँगा कि इसी फर्स्ट शिफ्ट में यानी इन्हीं 10,000 स्टूडेंट्स में से जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स हैं, तो टॉप मोस्ट 1%, 2%, 3% का रैंक के टोटल मार्क्स निकालूंगा और मैं उसका एवरेज निकाल लूँगा। तो मान लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट में टॉपर्स का एवरेज आता है 170 और पूरे स्टूडेंट्स का एवरेज आता है 80 मार्क्स। अब सेकंड शिफ्ट आइए कि मान लीजिए 2 मई को जो दूसरा शिफ्ट हुआ उसमें भी 10,000 स्टूडेंट्स हैं, सेम है, लेकिन अब यहाँ पर अब क्योंकि शिफ्ट अलग है तो ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चन पेपर भी अलग होगा। तो अब मान लीजिए कि सेकेंड शिफ्ट में एवरेज निकल के आया है 100 का, यानी आउट ऑफ 10,000 स्टूडेंट एवरेज निकलता है 100 का और टॉपर्स का एवरेज निकलता है 180 का। अब ये दोनों चीज़ों को आप कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों चीज़ों को आप कंपेयर कर लीजिए। फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज भी कम है और टॉपर्स का रिजल्ट भी कम है, टॉपर्स का एवरेज भी कम है। सेकेंड शिफ्ट में एवरेज भी ज़्यादा है, ओवरऑल एवरेज भी ज़्यादा है और टॉपर्स का एवरेज भी ज़्यादा है। इससे एक चीज़ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक जनरल कंसेप्ट है, ज़रूरी नहीं है एप्लीकेबल हो, लेकिन एक चीज़ का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट जो है इसमें क्वेश्चन पेपर ज़रूर डिफ़िकल्ट रहा होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड शिफ्ट, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में एवरेज ज़्यादा है और फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज कम है। ये मेथड है जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट में पेपर कितना डिफ़िकल्ट था या पेपर का टफनेस कितना इजी था या डिफ़िकल्ट था। तो अब यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि मान लीजिए कि अगर मैंने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है तो ऑब्वियसली मेरा स्कोर उतना ज़्यादा नहीं है। अगर यही पेपर मैंने सेकंड शिफ्ट में दिया होता तो शायद स्कोर बढ़ जाता, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। या फिर पॉसिबिलिटी है कि एक
ऐसा स्टूडेंट है जो पोटेंशियल रखता है, लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट शिफ्ट में गया जहाँ पेपर डिफ़िकल्ट था तो उसने कम स्कोर किया। वहीं पे एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि वो एक ऐसी शिफ्ट में आया जहाँ किस्मत से उसको पेपर ईजी या पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा कम रह कम मिला है, जिसकी वजह से उसका स्कोर ज़्यादा आया। तो ये एक तरह से जस्टिस नहीं होगा। तो जस्टिस किस तरह किया जा सकता है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जस्टिस करने के लिए नॉर्मलाइज्ड स्कोर फंक्शंस को या नॉर्मलाइज्ड स्कोर को जनरेट करते हैं। एक और चीज़ हमको ये भी याद रखनी चाहिए कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर फंक्शनिंग जो होती है या ये जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर जनरेट किए जाते हैं, इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि इनकेस अगर आप एक डिफ़िकल्ट लेवल से जा रहे हैं तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपका जो भी स्कोर होगा आपको वो स्कोर पे प्लस कुछ इंसेंटिव मार्क्स मिल सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं। और इन केस अगर आप किसी इजी स्लॉट में जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर आपके मार्क्स रिड्यूस भी हो सकते हैं। अब कितने मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, कितने इंसेंटिव मार्क्स मिलेंगे या कितने मार्क्स एक्चुअल में रिड्यूस होंगे, ये डिपेंड करता है कि आप क्या आपने जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है उसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था। अब डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था ये कैसे निकाल सकते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। अब किस तरह से नॉर्मलाइज मेथड से या नॉर्मलाइज स्कोर्स को जनरेट करते हैं वो देखिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा कि स्कोर कार्ड में नॉर्मलाइज ये जो स्कोर आपने देखा वो पीसीबी के लिए अलग परसेंटाइल था, पीसीएम के लिए अलग परसेंटाइल था और हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली एक अलग परसेंटाइल का स्कोर वहाँ पे दिया हुआ था। मान लीजिए हम बात करते हैं कि हम पीसीबी में स्कोर कैसे जनरेट हुआ। तो पीसीबी में अगर आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर जनरेट करना है तो वो ये रहेगा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि इस पीसीबी वाले ग्रुप में कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जैसा कि इस साल 281,154 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, तो मैं ये सारे के सारे कैंडिडेट्स जो है इनका एवरेज स्कोर निकालूंगा ऑब्वियसली आउट ऑफ 200 मार्क्स। तो ये 281,000 जो स्टूडेंट्स हैं जो पीसीबी वाले पेपर में अपीयर हुए हैं, मैं ये देखूंगा कि इनका एवरेज कितना निकलता है। मान लीजिए कि ये एवरेज 90 निकलता है। सिमिलरली ये सारे कैंडिडेट्स में से जो भी टॉपर्स रहेंगे वो टॉपर्स का 1 या 2% एक पर्टिकुलर परसेंटेज में सेलेक्ट करूँगा और वो टॉपर्स जो रहेंगे मैं उनके टॉप मार्क्स का एवरेज निकाल लूँगा। तो मान लीजिए कि ये एवरेज निकलता है 180 मार्क्स। तो अब यहाँ पर मुझे मेरे पास जो है ये दो एवरेज वैल्यूज़ हैं और ये टोटल स्टूडेंट्स के लिए है। जितने भी स्टूडेंट्स बायो के पेपर में पीसीबी वाले से पेपर में अपीयर हुए हैं और किसी भी सेशन में अपीयर हुए हैं उनका ओवरऑल एवरेज 90 मुझे मिलता है और मान लीजिए कि टॉपर्स का ओवरऑल एवरेज मुझे 180 के आसपास में मिलता है। अब ये एवरेजेस के बेस पे मैं नॉर्मलाइज फंक्शन निकालूंगा या जैसे मैंने बताया कितने मार्क्स ऐड होंगे या कितने रिड्यूस होंगे ये डिसाइड करती है ये दो वैल्यूज। किस तरह से डिसाइड करती है वो एक फार्मूला पर बेस्ड होता है, इस फार्मूला को मैं आपको आगे समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने आपको बताया कि ये ओवरऑल वैल्यूज़ है, यानी सारे सेशंस और सारे जितने भी सेशंस में एग्ज़ाम हुए हैं बायो के जितने भी एग्ज़ाम्स रहे होंगे पीसीबी के वो सारे सेशंस को इंक्लूड करके मैंने ये ओवरऑल 281,000 स्टूडेंट्स के आसपास का ये एवरेज निकाला है। तो एवरेज 90 निकलता है या निकला है एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर और टॉपर्स का एवरेज 180 निकला है। अब ये हो गया मेरे पास में टोटल एवरेज। अब मैं इस टोटल एवरेज को रिलेट करूँगा या कहिए कि इसको रिलेट करूँगा मैं हर सेशंस के अकॉर्डिंगली। अब मान लीजिए कि पहला सेशन हुआ और पहले सेशन में जो 10,000 कैंडिडेट्स थे, एक बार याद रखिए ऊपर ओवरऑल कैंडिडेट्स है और अब नीचे हम सेशन वाइज कैंडिडेट्स को निकालते हैं। तो मान लीजिए कि पहला सेशन है, पहले सेशन में जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे मैं उनका एवरेज निकाल लूँगा, तो कंसिडर करके चलिए कि ये 80 निकलता है। इसी के साथ उस पहले सेशन में जितने भी टॉपर्स होंगे मैं एक बार फिर से उन टॉपर्स का दोबारा से एवरेज निकालूँगा, टॉपर्स का एवरेज निकालूँगा। मान लीजिए कि फर्स्ट सेशन में जो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं
उनका एवरेज 80 निकलता है और टॉपर्स का एवरेज 170 निकलता है। अब इस सेशन में ये दो एवरेज निकले हैं, इस सेशन में मेरा स्कोर 110 है, एवरेज वैल्यू 80 है, टॉपर्स का एवरेज 170 है, लेकिन मेरा स्कोर 110 है। इसका मतलब 200 out of 200 marks मैंने 110 मार्क्स स्कोर किए हैं पहले सेशन के अंदर में, या फिर जिस सेशन में मैंने एग्ज़ाम दिया था उस सेशन के अंदर में। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं, हम डिफरेंस निकालते हैं ओवरऑल वैल्यू के अंदर में। तो जैसा ओवरऑल वैल्यू आपको मालूम है, टोटल एवरेज 90 था और टॉपर्स का 180 था, तो मैं यहाँ पर 180 माइनस 90 करूँगा, ये वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। उसके बाद में ये वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, ये 90 रहेगी। अब मैंने जो सेशन में दिया था, इस सेशन में टॉपर्स का एवरेज 170 था और ओवरऑल एवरेज, इस सेशन का ओवरऑल एवरेज 80 था, तो 170 माइनस 80 मैंने ये निकाल लिया। एक बार फिर से, अब जिस सेशन में मैंने एग्ज़ाम दी है या उस सेशन में, या मेरा स्कोर जो है 110 है, और दोबारा से जिस सेशन में मैंने एग्ज़ाम दी है उसका एवरेज 80 है, तो मैं 110 माइनस 80 करूँगा। अब ये जब मैं करता हूँ, और फाइनली एक वैल्यू मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, ये 90 वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू है ये ओवरऑल एवरेज कितना निकला है उसकी वैल्यू है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे फार्मूलाज हैं जो इस तरह का स्कोर निकालने के लिए, जनरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस इन ओवरऑल वैल्यू निकालेंगे, उसको अपनी शिफ्ट वाली वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करेंगे, एंड देन वहीं पे मैं अपनी शिफ्ट में मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं वो लिखूँगा, उस शिफ्ट में एवरेज कितना था वो निकालूंगा, एंड देन मैं ओवरऑल एवरेज जो है, जो मैंने 90 यहाँ पर कैलकुलेट किया है, वो ओवरऑल एवरेज को उसमें ऐड कर दूंगा। मैं एक सिंपलेस्ट एग्जांपल, जैसा मैं यहाँ पर बता रहा था कि इस सेशन में एवरेज 80, टॉपर्स का एवरेज 170, मैंने स्कोर किया 110 मार्क्स। याद रखिए मेरा स्कोर जो है वो 110 मार्क्स का है। अब देखिए ये वैल्यू किस तरह से चेंज होती है। तो यहाँ पर मैंने ओवरऑल निकाला, ये 90 निकला डिफरेंस, ये डिफरेंस भी 90 निकला, देन फिर मैं 110 माइनस 80 करता हूँ, ये वैल्यू आती है 30। इसके बाद में अब हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट 2700 के आसपास में आती है, एंड देन हम ये 2700 को 90 से डिवाइड करेंगे, आंसर मुझे मिलता है 30। तो ये 30 प्लस जो ओवरऑल एवरेज था वो था 90, इसका मतलब 120 मार्क्स। तो मैंने जिस सेशन में एग्ज़ाम दिया था, जो कंपैरेटिवली एक टफ सेशन था, जहां मेरे एक्चुअल मार्क्स 110 है, लेकिन नॉर्मलाइज्ड स्कोरिंग के बाद मुझे 120 मार्क्स मिलते हैं, यानी मुझे 10 मार्क्स का ऑलमोस्ट इंसेंटिव मिल रहा है। इस तरह से नॉर्मलाइज फंक्शन में मार्क्स ज़्यादा होते हैं। अब यही मैं बताता हूँ कि मार्क्स कम कैसे हो सकते हैं। जिस सेशन में मैंने एग्ज़ाम दिया वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरेज 80 निकला है आउट ऑफ 200 और टॉपर्स के मार्क 170 निकले हैं। इसका मतलब ये कंपैरेटिवली ऐसा सेशन था जहाँ पर पेपर डिफ़िकल्ट आया होगा। अब बात करते हैं उसी के बाद वाले सेशन में, जहाँ पर एवरेज देखिए निकला है 100। तो यहाँ एक दूसरा सेशन में मान लीजिए एग्ज़ाम हुआ, जहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स थे उनका एवरेज निकला 100, टॉपर्स का एवरेज निकाला वो आया 190, और यहाँ पर मेरा स्कोर मान के चलिए कि 110 है। ये एक ऐसा सेशन है जहाँ पर कंपैरेटिवली पेपर थोड़ा सा लेस डिफ़िकल्ट है, वो मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर एवरेज 100 है और टॉपर्स का एवरेज 190 निकल के आ रहा है, और यहाँ पर मेरा स्कोर 110 है। इसका मतलब मैं ऐसे स्लॉट पे हूँ जहाँ पर पेपर कंपैरेटिवली प्रीवियस स्लॉट से कंपैरेटिवली इजी रहा होगा। यहाँ फिर से पैटर्न वही है, मैं जो मैंने सबसे पहले ओवरऑल एवरेज निकाला था मैं उसका डिफरेंस निकालूंगा, 90 आता है। मैं जिस स्लॉट में हूँ, सेकंड स्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर टॉपर्स 190 है, एवरेज 100 है, ये मैंने निकाला, ये भी ऑलमोस्ट 90 के आसपास में निकलता है। अब यहाँ देखिए मैंने स्कोर किया है 110, और जिस स्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ उस स्लॉट का एवरेज है 100, तो ये वैल्यू 110 माइनस 110 निकल कर आती है, देन मैं 19 × 10 करता हूँ, ये वैल्यू ऑलमोस्ट 900 के आसपास में आती है, एंड देन इसको डिवाइड करते हैं 90 से,
वैल्यू आती है 10, और ये 10 को मैं ओवरऑल एवरेज, जो हमने सबसे पहले वो 2 लाख स्टूडेंट्स का एवरेज निकाला था, उसमें हम इसको ऐड करते हैं, यानी ये वैल्यू आती है 100। तो जी हाँ, इस स्लॉट में मेरा एक्चुअल स्कोर 110 है, लेकिन मुझे जो नॉर्मलाइज्ड स्कोरिंग के बाद जो मार्क्स मुझे मिल रहे हैं वो 100 मार्क्स है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह अगर आप डिफ़िकल्ट स्लॉट में रहते हैं तो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, वहाँ पर 110 का ओवरऑल 120 हो गया, और अगर आप किसी इजी स्लॉट में रहते हैं तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके मार्क्स रिड्यूस भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि ओवरऑल मैंने स्कोर 110 किया था, बट बिकॉज वो स्लॉट में एवरेज सबके ज़्यादा निकल कर आए हैं, इसका मतलब पेपर कंपैरेटिवली इजी रहा होगा, तो यहाँ पर मेरे 10 मार्क कम होते हैं और अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर 100 मार्क मिलते हैं। तो इस तरह से नॉर्मलाइज्ड स्कोरिंग के थ्रू एक ओवरऑल स्कोर जनरेट किया जाता है। अब फाइनल मैं आपको दो स्टेप्स बताता हूँ, होता क्या है कि जो भी स्कोर आपने जनरेट किया है या जो भी स्कोर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जनरेशन के बाद में जो भी आपके मार्क्स निकल कर आते हैं, इस मार्क को या इन मार्क्स को 0 से 100 के बीच में कन्वर्ट किया गया है। अब ये हर सेशन के लिए डिफरेंटली किया गया है, इसके लिए उन्होंने फार्मूला भी यूज़ किया है, वो फार्मूला एग्जैक्टली मेरे पल्ले पड़ा नहीं, और आप अगर आप देखना चाहते हैं तो करियर 360 एक वेबसाइट है जहाँ पर वो फार्मूला मेंशन किया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे ये कहना है कि पहले नॉर्मलाइज्ड फंक्शंस जनरेट किए जा रहे हैं, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन या नॉर्मलाइज्ड स्कोर जनरेट किया जाता है, इस स्कोर को 0 से 100 की स्केल में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसको हम परसेंटाइल कहते हैं, इसी को हम परसेंटाइल कहते हैं। फाइनली ये होगा कि इसी परसेंटाइल के बेस पे आपकी रैंकिंग लिस्ट लगेगी और इसी रैंकिंग लिस्ट के अकॉर्डिंगली कैप राउंड्स और एडमिशंस होंगे। अब रैंकिंग लिस्ट किस तरह से लगेगी उसके लिए भी एक फार्मूला है। मान लीजिए कि फार्मूला कुछ इस तरह से है, ये रहेगा 100 माइनस स्कोर, यानी जो आपका परसेंटाइल निकला है, तो फिर से नॉर्मलाइज स्कोर जनरेट हुआ, उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट किया गया, यानी 0 से 100 में से की स्केल में कन्वर्ट किया गया। देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए कि मैं पीसीबी की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्लॉट की बात कर रहा हूँ, 2,81,115 कैंडिडेट्स हैं ये वैल्यू। अब मान के चलिए कि मेरा परसेंटाइल पीसीबी के अंदर मेरा परसेंटाइल 90 रहता है, तो यहाँ पर मैं फार्मूला यूज़ करूँगा 100 माइनस 90, क्योंकि मेरा जो पीसीबी परसेंटाइल नॉर्मलाइज स्कोरिंग के बाद निकल के आया है वो 90 है। देन फिर मैं इसको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो पीसीबी वाले सेक्शन में जितने भी कैंडिडेट्स अपियर हुए थे, यहाँ पर 2,81,154 है, उससे मल्टीप्लाई करूँगा एंड फाइनली मैं उसको 100 से डिवाइड करूँगा, ये वैल्यू मुझे ऑलमोस्ट 28,115 के आसपास में आती है। तो मेरा जो रैंक यहाँ पर निकल कर आएगा, अगर मेरा परसेंटाइल 90 के आसपास में है, तो मेरा रैंक 28,115। तो इस तरह से नॉर्मलाइज्ड फंक्शन में स्कोरिंग जनरेट की गई है। और एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि अब यहाँ पर मैंने जो आपको बताया है, ये मैंने टोटल पीसीबी या पीसीएम के फॉर्म में बताया है। याद रखिएगा, इसी तरह से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क भी कैलकुलेट किए गए हैं। जी हाँ, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पेपर ईजी आ रहा है तो सारा का सारा पेपर ईजी हो सकता है किसी पेपर में मैथ्स वाला सेक्शन इजी हो, अदर सेक्शंस डिफ़िकल्ट हो, या हो सकता है किसी दूसरे स्लॉट में कोई फिजिक्स वाला सेक्शन डिफ़िकल्ट हो एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शंस, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि हर सब्जेक्ट का जो मेथड मैंने आपको बताया, उसी मेथड से नॉर्मलाइज्ड फंक्शन या नॉर्मलाइज्ड स्कोर जनरेट किया गया है। एंड देन जैसा यहाँ पर आपको बताया था, जो पॉइंट यहाँ पर मैंशनड है कि जो ओवरऑल स्कोर भी आप देख रहे हैं, ओवरऑल परसेंटाइल भी आप देख रहे हैं, ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का मीन या एवरेज नहीं है। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का भी नॉर्मल स्कोर निकाला गया, नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकाला गया, उस स्कोर को 0 से 100 में कन्वर्ट किया गया, यही आपका परसेंटाइल है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर फिजिक्स में मुझे 91 परसेंटाइल मार्क्स मिले हैं, तो ये 91 परसेंटाइल आए हैं
नॉर्मलाइज्ड स्कोर से मुझे कितने मार्क्स मिले, उसके बाद में मैं कौन से स्लॉट में मैंने एग्ज़ाम दिया है, वो इजी था डिफ़िकल्ट था, तो हो सकता है यहाँ पर मुझे कुछ इंसेंटिव्स मिले होंगे या हो सकता है कि मेरे मार्क्स रिड्यूस हुए होंगे। फाइनली जो भी मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया होगा उसको कन्वर्ट किया गया है 0 to 100 में, और जब कन्वर्ट किया गया तो वो 91% निकला। इसी तरह से हर सब्जेक्ट को कन्वर्ट करके निकाला गया और इसी तरह से टोटल या ओवरऑल PCM या PCB की वैल्यू भी निकाली गई है। इसी वैल्यू से जैसे मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली रैंक लिस्ट बन सकती है और उसी रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंगली फिर एडमिशन्स प्रोसेस या फिर कैप राउंड्स जो रहेंगे वो आगे परफॉर्म किए जाएंगे। होपफुली आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और किस तरह से आप अपने स्कोर कार्ड को समझ सकते हैं। आई होप कि आपको इस ट्यूटोरियल से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली होगी। अगर मिली है या इनकेस अगर इसमें कुछ करेक्शंस भी अगर आपको लगते हैं देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू वेरी मच।